हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं, आई मीन चलो शुरू करते हैं। क्योंकि जो कंट्री अब स्लेव बन चुकी है ना, वो कंट्री अगर जो कंट्री स्लेव नहीं बनी है, यानी कि जो कंट्री के नीचे वो स्लेव बनी है, उसी कंट्री के लैंग्वेज बोलने लगे या फिर उसे सीखने लगेंगे ना, तो फिर वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। फिर MML एक ग्रामर की किताब लेते हैं, बुक लेते हैं और उस लेसन को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक लेसन को उठा के। और पहली बार फ्रैंक ये बता रहे हैं कि पहली बार उन्हें उनका जो लेसन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था। और इवन MML जो थे ना, वो भी उस लेसन को बहुत अच्छे से समझा रहे थे, आराम से समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अब उनके लास्ट लेसन है और वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी वो लास्ट लेसन समझ ना आए। और MML चाहते थे कि उन्हें जितना भी कुछ भी पता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, उस लेसन के बारे में, वो सब कुछ एक ही बार में अपने सारे स्टूडेंट को बता दे। और वो काफ़ी अच्छे से उन्हें समझा भी रहे थे। और फ्रेंड्स भी बताते हैं कि उन्होंने आज से पहले इतना ध्यान से कोई भी लेसन को नहीं सुना था। और फिर उस दिन ग्रामर का लेसन समझाने के बाद उन्होंने एक राइटिंग का सेशन भी सेक्शन भी के ऊपर भी फोकस किया और उसे भी समझाने की कोशिश की। और उस दिन MML ने ना बहुत सारी कॉपीज लाई थी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिसके ऊपर कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, जिसका मतलब था कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस बिलोंग करता है, ना कि कोई और कंट्री, स्पेशली जर्मनी तो बिल्कुल नहीं। और जब सारे बेंच में वो कॉपी रख दिया जाता है, तो क्लासरूम में ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सारे बेंचेस में फ्लैग्स लगे हुए हैं और सारे फ्लैग्स एक दूसरे से रॉड के हेल्प से कनेक्टेड है, ऐसा उन्हें लग रहा था। और तब पूरा क्लास शांत हो जाता है और उनके क्लास में बस एक ही आवाज सुनाई दे रही होती है, वो होती है स्क्रैचिंग ऑफ पेंस की, यानी कि जब पेन से लिखते हैं ना, तब जो आवाज़ आती है कॉपी में पेन से लिखने टाइम, वो वाली आवाज़, समझ रहे हो कितना एक्चुअली में पिन ड्रॉप साइलेंस का क्या मतलब होता है। फिर फ्रांस बताते हैं कि पहले जब उनके क्लास में इंसेक्ट्स घुसते थे ना, तो सारे बच्चे उन इंसेक्ट्स को देख के चिल्लाने लगते थे, अजीबोगरीब हरकत करने लगते थे, पर इस बार जब इंसेक्ट्स उनके क्लास में घुसा तो किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सबके सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे अपने टीचर के प्रति, अपने क्लास के प्रति। फिर वो बता रहे कि उनके क्लास के ऊपर जो पीजन्स बैठे हुए थे, यानी कि जो कबूतर बैठे हुए थे, वो भी बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी MML की बातों को अच्छे से सुन रहे हैं और लेसन्स को समझ रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्या जर्मन्स लोग बोलेंगे पीजन्स को भी कि वो लोग अपना लैंग्वेज चेंज करके जर्मन्स बोलने लगे, या फिर उस टाइप से कुछ, मतलब लैंग्वेज चेंज कर ले अपना। फिर वो बोलते हैं कि जब वो लिख रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि MML, यानी कि फ्रांस ये सब बोल रहे हैं कि जब वो लिख रहे होते तब वो नोटिस करते हैं कि MML पूरे क्लासरूम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वो पूरे क्लास के पिक्चर्स को, मतलब पूरे क्लास के पिक्चर को एक बार में कैद करना चाहते हो अपनी आँखों में या फिर अपने दिमाग में। और वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो पिछले 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अब उन्हें वो स्कूल छोड़ के जाना होगा। फिर फ्रांस बोलता है ना कि 40 साल पहले और 40 साल बाद ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। क्या क्या बदला है? जो उनके क्लासरूम में बेंचेस थे ना, वो थोड़े पुराने हो गए, बेंचेस और डेस्क थोड़े पुराने हो गए, और उन्होंने जो 40 साल पहले, यानी कि MML ने 40 साल पहले जो वॉलनट के ट्रीज लगाए थे, वो बड़े हो गए, और हॉफमाइंस की जो ट्री लगाई थी वो भी थोड़ी बड़ी हो गई है। बस यही डिफरेंस आया, यानी कि क्या क्या डिफरेंस आया, वॉलनट की ट्रीज बड़ी हो गई है, हॉफमाइन की ट्री बड़ी हो गई है, और जो बेंच और डेस्क थे ना, वो थोड़े पुराने हो गए। फिर फ्रांस को उस टाइम रियलाइज होता है कि, मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो सोच रहा था ना कि अब वो सच में अपने लैंग्वेज के पेपर्स को नहीं पढ़ पाएगा। फिर उसी टाइम फ्रैंक को आवाज आता है कि जो MML की बहन थी ना, वो ट्रंक्स को पैक करके निकल रही थी, यानी कि अपना पैकिंग करके निकल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे अब उन्हें वो कंट्री छोड़ के जाना था। तब भी फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से उस लास्ट लेसन को सुन रहे थे, ताकि वो, क्योंकि वो एकदम अच्छे से उस लास्ट लेसन को समझना चाहते थे। और तभी चर्च का घंटा बजता है और तभी फ्रांस देखता है ना कि वो जो सोल्जर्स उसने सुबह जाते हुए देखा था, वो वापस से मार्च पास्ट करके, यानी कि जो भी वो लोग करते होंगे, वो करते हुए वापस आ रहे थे एकदम ढोल बाजा बजा के, एंड वो लोग वापस आ रहे थे। तभी चर्च का घंटा बजता है एंड क्लास ओवर हो जाता है। एंड जैसे ये सब होता है ना, तो पीछे जितने भी विलेजर्स के लोग बैठे हुए थे, वो सब खड़े हो जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? MML के रिस्पेक्ट में। फिर MML कुछ बोलना चाहते थे, ठीक है, वो क्लास को कुछ बोलना चाहते थे, पर वो बोल नहीं पाते, वो बोलते आई आई, उसके बाद रुक जाते।
फिर वो क्या करते हैं ना, बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और अपने लैंग्वेज में यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिख देते हैं वी आर लव फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव्ड फ्रांस। और उसके बाद एम हेमिल ऐसे नहीं कहते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुका है तुम लोग जाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहते हैं, एक वर्ड भी नहीं कहते हैं, बस अपने हाथों के जेस्चर से ऐसे स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि वो कहना चाहते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुका है तुम लोग जाओ, पर एक्चुअली में वो कुछ नहीं कहते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो देखो एक दो चीज याद रखना, जैसे कि कौन कौन सा लेसन हुआ था उनके क्लास में, सबसे पहले ग्रामर का लेसन हुआ था, फिर राइटिंग का लेसन हुआ था, फिर हिस्ट्री का लेसन हुआ था, है ना। और हाँ एक और चीज याद रखना कि वहां पे पीजन्स को ये बोला जा रहा था कि क्या जर्मन लोग आके बोलेंगे कि पीजन्स लोग भी जर्मन लैंग्वेज में गाए अपने लैंग्वेज को चेंज करके, ठीक है। ये दो चीज़ था जो इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा बताना जरूरी है तो फिर बता दिया। और हाँ इससे हमारा यहीं पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है। होपफुली अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक।